श्री राम जय हनुमान। आज का पर्व जो है बड़ा ही खुशकिस्मत वाला है, जो कि हमारे मेंढर बॉर्डर एरिया पे जो है मनाया जाता है। पिछले 50 सालों से ये मनाया जाता है और जो है यहाँ से पिछले 50 सालों से रामलीला कला मंच की तरफ से जो है यहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है। उसके लास्ट में जो है पूरे बाज़ार से झांकी निकाल के, पूरे मार्केट से जो है पूरी परिक्रमा करके झांकी निकाल के यहाँ पर रावण का पुतला जो है उसका दहन किया जाता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की जाती है, इसीलिए सभी देशवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय सियाराम, जय हनुमान। जो आज हमारे विजयदशमी का त्यौहार मेंढर में मनाया गया, ये मेंढर में क्या पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसमें बुराई की हार और अच्छाई की जीत हुई थी। तो आज जो हमारा ये विजयदशमी का त्यौहार है, ये हमारे 9 दिन से रामलीला हनुमान मंदिर मेंढर में चल रही थी, जो 40-45 वर्ष के बाद जो है हमने यहाँ पे की। और ये जो हमारा इलाका है ये बिल्कुल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की निरंतर रेखा के ऊपर है। तो यहाँ कई कारण थे जिन कारण की वजह से हमने रामलीला बंद कर दी थी। तो 40 साल के बाद जो हमारी रामलीला स्टार्ट हुई, तो इस विषय पर आज मैं पूरे भारतवर्ष को मुबारकबाद मेंढर हिंदू सनातन सभा की तरफ से और हमारे रामलीला कला मंच की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।